बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में आप क्या सोच रही हैं भाभी? वही जिस बात की तरफ अब तक मेरा ध्यान नहीं गया था। कहीं आप शारदा, जिस बात का मुझे डर था आखिर में वही हुआ ना। उस पंडित ने तुम्हारे मन में वहम डाल ही दिया। आओ शाम। इस बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी बीमारी का सीरियस अटैक हुआ था? अच्छा ये बताइए, आपने बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश की थी? ये बच्चा आपका है। बजरंग बली की कृपा से भैया जी और आप तो भले चंगे हैं। ये बच्चा इतना बीमार था क्यों रहता? जरूर कुछ गड़बड़ है भाभी। हमारा दूसरा बेटा भी तो है। मैं पहले ही से जानता था कि यह राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रह पाएगा। रखो, हम कुदरत के साथ बगावत नहीं कर सकते। पंडित ने शारदा के दिल में शक डाल दिया है श्याम। नहीं रघु, पंडित ने नहीं डाला है। शारदा भाभी के दिल में शक तो हमारी सफाइयों ने डाला है। समझ में नहीं आ रहा है ये राज हम शारदा भाभी से ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे रखो। और अगर हमने ऐसा किया तो हम उनसे नजरें नहीं मिला सकते, क्योंकि हमारे दिल में चोर है। हम जानते हैं कि बच्चे हमने बदले जो गलत है। हमने जो कुछ भी किया है शाम दोस्ती किसी की ममता से बड़ी नहीं हो सकती है। किसी भी मां की ममता से बड़ी नहीं हो सकती हमारी दोस्ती। रखो, हमने जो कुछ भी किया अपनी दोस्ती के स्वार्थ के लिए किया है, लेकिन हम ये कभी नहीं जानते थे कि ऐसा करके हम एक मां को धोखा दे रहे हैं। ऐसा करके हम किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं। मान जाए तो आज भी हम एक मां को उसके असली बेटे तक पहुंचा सकते हैं। उस मां और बेटे के बीच सिर्फ तेरी हां का फासला है। हाथ बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तुम्हारे जीवन में कन्या आने वाली है। कन्या? क्या बात कर रहे हैं पंडित जी। सही कह रहा हूँ पंडित जी, कन्या होगी कैसी? सुंदर। अच्छा। सांवला रंग होगा, लंबे लंबे काले बाल, आंखों में काजल, गर्दन पे काला तिल, और उत्तर दिशा से आएगी। उत्तर दिशा से? पंडित जी ये बताइए उसकी उम्र कितनी होगी? जब वो मिलेगी आपसे तकरीबन उसकी उम्र 30 साल की होगी। बजरंग बली भला करे, और कुछ बताइए। अरे पंडित जी मेरे बारे में भी कुछ कहिए।
आप भी किस्मत के धनी है और आपके जीवन में भी चार चांद लग जाए ऐसी कन्या आने वाली है। कन्या? वो कन्या कैसी होगी पंडित जी? बहुत ही सुंदर, सांवला रंग, आंखों में काजल, अच्छा, लंबे लंबे काले काले बाल, गर्दन पे काला तिल। जब वो आएगी उत्तर दिशा से आएगी। उत्तर दिशा से? जी हाँ, उत्तर दिशा से आएगी। पर पंडित जी ये तो बताइए, लड़की की उम्र क्या होगी? जब वो तुमसे मिलेगी तकरीबन उसकी उम्र 30 साल की होगी। 30 साल? पर आपने सारी बातें अभी भी तो इसे भी बताई है, दोनों के हाथों में एक ही बात। बच्चा, पंडित जी झूठ नहीं बोलते हैं, जो है उसी का वर्णन करते हैं। आप दोनों की रेखाएं मिल रही है उसमें मेरा क्या दोस्त? ये तो ऊपर वाले की माया है। मेरी बात ठीक लगे तो स्वीकार करो, निधर मेरा मूल्यवान समय नष्ट न करो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारा आपको क्रोधित करने का इरादा कतई नहीं था। आप तो हमें ये बताइए, हमारे जीवन में कन्याएं आएंगी कब? ठीक 7 साल के बाद में आएंगी। अरे लल्लू भैया छोड़, अरे एक मिनट ठहर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। डॉक्टर, इसके बाद तो कोई वारदात नहीं हुई ना? नहीं, थैंक गॉड, ऐसे कोई बात नहीं। डॉक्टर, सूरज अपने कमरे में नहीं है। क्या, कहाँ गया? पता नहीं। मुकरम, यस सर, तुम नीचे देखो। भाई डॉक्टर चलिए। मात्रे, सूरज कहाँ है? तुम कहाँ थे? सामने बाथरूम गया था। जस्ट शट अप, तुम्हारी लापरवाही से एक आदमी जान खतरे में, बता तुम्हें। प्लीज आप अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कीजिए। यस यू आर राइट। मात्रे नाउ कम। के बावजूद तुम दीपा से मिलने जा रहे थे? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, बस आखिरी बार। देखो सूरज, सिर्फ एक बार अगर तुम्हारे कातिलों को मौका मिल गया ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने कातिलों को पकड़वाने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ ये मिल गया। हाँ डॉक्टर, मिल गया ये। डॉक्टर साहब, मैं इसको अभी इसी वक्त यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ, आपको कोई इतराज तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो रामलाल, ये तो बताओ कैसे आना हुआ? जी बेबी जी ने भेजा है। कोई खास काम? खास काम है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। बताओ ना। क्या काम? काम आपसे नहीं, रत्ना बेबी से है। लल्लू, किससे बात कर रहे हो तुम? नमस्ते रत्ना बेबी। रामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी बेबी जी ने आपके लिए लेटर दिया है। जी नमस्ते। अब मुबारक हो बेबी, एक और चेक आ गया। प्यारी बेटी रत्ना, आना तो मैं खुद चाहती थी तुम्हारे पास, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं और मेरी किसी भी बात को तुम ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाती, इसीलिए ड्राइवर के हाथ एक चेक भेज रही हूँ। अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है बेटी, इसका सही इस्तेमाल करना। कभी शाम को एहसास न होने देना कि वो किसी भी बात में तुमसे कम है। अपने पैसे का अहम भी उसके आगे जाहिर मत करना। ये बात उसे कैसे चोट पहुंचा सकती है, ये बात तुम मेरे और अपने डैडी के हालात से जान सकती हो। जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो तुम मत करना। औरत को सारी दुनिया मिल जाने के बाद भी पति की कमी महसूस होती रहती है रत्ना, उम्मीद है तुम मेरे तजुर्बे से कुछ सबक लोगी। बहुत प्यार के साथ, तुम्हारी मॉम।
उस पंडित की बातों के बारे में सोच रही हूँ। मैं आप दोनों की बातों के बारे में सोच रही हूँ। तो किस नतीजे पर पहुंची हो? बोलिए ना भाभी, किस नतीजे पर पहुंची हैं आप? अफसोस की बात तो ये है कि चाहते हुए भी मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकती। शारदा, वो पंडित की बातें, मैंने कहा ना, उस पंडित की बातों से ज्यादा मुझे आप दोनों की बातें शक में डाल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, हमने बच्चे बदले? आप दोनों की सच्चाई आपके साथ है, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? शारदा, हमने बच्चे बदले। क्या तुम दोनों ने सचमुच बच्चे बदले? भाभी, हमने ये बात आपसे छुपाए रखी, आपको धोखे में रखा हम लोगों ने। हम दोनों आपके कसूरवार हैं। नहीं, तुम दोनों मेरे कसूरवार नहीं, उस बच्चे के कसूरवार हो जो तुम दोनों की गलती की वजह से भूख से भिलकता रहा, नफरत का शिकार होता रहा। आखिर क्यों क्यों तुम लोगों ने बच्चे बदले, बताओ मुझे क्यों? सोचो, उसकी जगह अगर ये बच्चा वहां होता तो ये बेचारा भूख से भिलकता, रत्ना की नफरत का शिकार होता। जबकि इस बच्चे को मां के दूध की और मां के प्यार की ज्यादा जरूरत है। और शारदा, जब ये बच्चा परेशान होता, जब ये रोता, तो हम दुखी नहीं होते? अभी हम लोगों ने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए ये बच्चे बदले। ये रघु की राय थी कि मुझे किसी की राय नहीं जाननी है। बदल लेने से तुम दोनों की दोस्ती मजबूत हुई या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास जरूर कमजोर हुआ है रघु। जब तुम दोनों ही विश्वास के काबिल नहीं रहे तो मैं और किस पर विश्वास करूंगी? ऐसा मत कहो शारदा, हमारी बातों को बस रखो और दलीलें देने की कोशिश मत करो। इस वक्त चले जाओ यहां से, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चले जाओ यहां से, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहां से।
जब से असलियत का पता चला है तब से सोच रही कि जो कसूर तुम दोनों ने किया है वो माफी के काबिल है या नहीं। तुम भले ही उसे माफी के काबिल समझो शारदा, लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारी ममता को धोखा दिया है। भाभी, हालांकि उस समय हमें हमारी दोस्ती अहम लगी थी, लेकिन जब धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि मां की ममता उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है, उससे कहीं ज्यादा अहम है, भाभी बाद में मैं और परेशान हो गया। जब यह पता चला कि मेरा बच्चा आशा, आगे बोलो। भाभी, पहले मैं ये सोच के परेशान हुआ करता था कि आप वो दुख भोग रही हैं जो आपके हिस्से का नहीं है, लेकिन आज जब असलियत सामने आ चुकी है, आप उस दुख से छुटकारा पा सकती हैं। मुझे लौटा कर श्याम, मां और बच्चे का दूध का रिश्ता होता है जो मेरा इसके साथ बन चुका है। अब ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि अब ये बच्चा हमारे साथ रहेगा, तुम दोनों ने छोड़ी इसे मेरे ज्यादा जरूरत है, मेरे अपने बच्चे से ज्यादा प्यार और ममता की जरूरत है इसे, जो रत्ना कभी नहीं दे पाती, लेकिन मैं देने की कोशिश जरूर करूंगी। बदलने का